और मेरा एक पर्सन है, जैसे कि हम, मुझे अगर पता लग गया है कि अगर हमें उस चर्च में, कहते हैं गलत शिक्षा चल रही है जी, ठीक है जी, मुझे पता लग गया उस चर्च में गलत शिक्षा बताई जा रही है और वो पास्टर जी हमारे काफी प्रेमी हैं, काफी प्यार मोहब्बत वाले हैं, तो सर उनको मैं चर्च को छोड़ सकता हूँ ना? जैसे कि वो लोग बोलते हैं ना कि आप पास्टर की आज्ञा करो, जहाँ के अधीन हो वहीं के अधीन रहो, आपको प्रभु ने यहाँ जोड़ा हुआ है तो वहीं पे जुड़े रहो। ओके, ये मुकेश जी लाइन पे बने रहे और जितने दर्शक देख रहे हैं आपको भी कहना चाहता हूँ, मुकेश आप भी बीच में बात करना। मुकेश, माता पिता पहले आते हैं या पास्टर? पहले माता पिता सर। वंडरफुल, सही जवाब। आप माता पिता का आज्ञा कहां तक पालोगे? आप माता पिता का, जल्दी बोलना है मुकेश, आप माता पिता का आज्ञा कहां तक पालोगे? जब तक वचन बीच में नहीं आता। बिल्कुल जी, बिल्कुल, हाँ जी, बहुत ध्यान से सुनना दर्शकों। लेकिन अगर माता पिता कहेंगे कि मैं तुम्हारा माता पिता हूं, और एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा सोचिए कि मैं मेरी लड़की को, लड़के को कहता हूं खबरदार अगर आज के बाद बाइबल पढ़ा तो आपको पता है इनको क्या करना है, इनको कहना है कि पप्पा तुम हो गए हमारे पप्पा, लेकिन ऊपर वाला पप्पा सबका पप्पा है, हम उसकी सुनेंगे। वैसे ही अगर पास्टर गलत सिखाता है, आप कह रहे चर्च छोड़ने की, आपका आत्मिक जीवन का सवाल है, पता है मुकेश, इस फैसले से आप अनंत काल का जीवन खो सकते हैं। आप चर्च छोड़ने की बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं पहले कदम में छोड़ दो। अगर आपको पता चला कि वहां टंग्स चलता है, जबरदस्ती पैसे मांगे जाते हैं, वहां पे पवित्र आत्मा का अपमान होता है, नीचे गिरा उठा पटक, हंसना, लोटपोट होना, ऐसा किसी भी इल्मिनाटी, जवा विटनेस, माता यरूशलेम या ओनली जीसस, ऐसा किसी भी प्रकार का टीचिंग चलता है, वन नेम बैप्टिज्म, ऐसा किसी भी प्रकार का टीचिंग चलता है, जितनी जल्दी हो सके चर्च छोड़ देना। जी यू अंडरस्टूड मुकेश? जी सर, मैं तो आपके बता लुधियाने में ऐसा चल रहा है सर, मैं कुछ दासों को बोलना नहीं चाहता हूँ अपने मुंह से सर जी, आप क्या बताऊं, मैं ऐसी ऐसी वीडियो देखता हूँ यूट्यूब पर पड़ी हुई है कि बच्चे के लिए बीमार है प्रार्थना कराओ 5,000 दो, बाहर वीजा लगवाना है 25,000 दो, कैंसर की बीमारी है तो 50,000 दो, मैं तो समझ नहीं पाता क्या कर रहे हैं ये। बिल्कुल सही बात है, तो लोग ऐसे करेंगे, इतने बड़े होते तो खड़े होकर ऐसा करेंगे, तो हम लोग छोटे लोग जो हम लोग हैं, हमारा क्या हाल? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। मुकेश आपकी एज क्या है? मेरी एज जी 30 साल। 30 साल, जितने भी 30 साल, 25 साल, 20 साल, आप जितने यूथ है ना, लड़का लड़की, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं अगली पीढ़ी को बर्बाद होने से बचाओ। मुकेश आपने सुना मैंने क्या कहा? हाँ जी सर। अगली पीढ़ी को बर्बाद होने से बचाओ। मैं कब तक बात करूंगा, हो सकता है 30 साल और 40 साल, लेकिन उसके बाद की पीढ़ी को कौन बचाएगा? आप जैसे लोग, तो खुद को इतना मजबूत करो कि खुद भी बचो, दूसरों को भी बचाओ। नहीं तो फिर क्या होगा पता है? आप दो तीन डेकेड, मतलब 30-40 साल के बाद में मसीहा टोटल करप्ट हो जाएगी, मसीहा टोटल करप्ट हो जाएगी इन जैसों की वजह से। जी मुकेश जी, अभी मैं एक सिस्टर को मिलके आ रहा हूं, तो उनके, उन्होंने अपनी बेटी का जन्मदिन रखा है, तो किसी और चर्च में जाते हैं, उनके पास्टर ने पता क्या बोला है जी? 5,000 रुपए फीस लगेगी जी आने की। मेरा दिमाग ही खराब हो गया जी, मैं क्या इनको अपने मुंह से बोलूं, मैं कौन सा शब्द बोलूं? अगर आप उनको जानते हो ना, वो बहन को, आप खुद ही प्रार्थना करके आ जाओ। ओके चलिए, मुकेश को बोला मैं, हम आएंगे आपके घर, हम प्रार्थना करेंगे। बस 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 बस, मुकेश आपने मसीह मंथन ग्रुप ज्वाइन किया है? नहीं सर। अरे भैया क्यों इतनी देर कर, जल्दी ज्वाइन करो, पंजाब से ना आप? हाँ जी, एक पास्टर है डेविडसन, नाम सुना होगा आपने, पास्टर डेविडसन, सिस्टर समीक्षा और ब्रदर झोली, इन सब का नाम सुना है आपने पंजाब से? ये मसीह मंथन के लोग हैं। अच्छा जी। हाँ, और साथ ही मैं जो नंबर देता ना 6 नंबर, उसमें से एक समीक्षा का है, वहां पे भी कॉल कर लेना, ठीक है? ठीक है सर, मैं तो प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप जैसा कोई व्यक्ति बस लुधियाने में हमारे भेज दे, तो बस नहीं सर, नहीं सर, मुकेश हम सबको करना पड़ेगा, डैनियल राज अकेला नहीं, मुकेश को भी आना होगा, मुकेश को भी मजबूत होना होगा, ठीक है? ठीक सर, चलो गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस।